बरसात के दिनों में वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में गंदा पानी ले जाने वाले छोटे बड़े नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। इसे संज्ञान में लेते हुए पूर्व योजना की तैयारियों में नगर परिषद कर्मचारी लगे हुए हैं। मुख्य अधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख द्वारा बैठक में दिए गए निर्देश एवं आपदा प्रबंधक समिति के गठन के निर्देश अनुसार वाड़ी नगर परिषद स्वास्थ्य विभाग ने बड़े छोटे नाले एवं कक्षों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। दत्तवाड़ी, आदर्श नगर, खड़गांव, चौरसता आदि क्षेत्र सहित पूरे वाड़ी शहर में छोटे बड़े नाले बहने से आसपास रहने वालों को खासी परेशानी हो रही है। साथ ही बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, पीलिया जैसी कई महामारी बीमारियां हो जाती है। विजय देशमुख की योजना के अनुसार आपदा प्रबंधन समिति द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में पोकलैंड, जेसीबी और सफाई कर्मियों की मदद से नाले में पानी के बहाव में बाधक पेड़ और झाड़ियों को काट कर गाद को हटाया जाता है। जहां अंदरूनी सड़क पर पानी जमा है और आगमन बाधित है, वहीं गड्ढों को भरने पर मरम्मत का काम भी चल रहा है। वाड़ी नगर परिषद जल एवं सीवरेज इंजीनियर सुषमा भालेकर, स्वच्छता निरीक्षक मुकेश महतो, धनंजय गौतमारे की देखरेख में नालों की सफाई और सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत करने का ध्यान रख रही है, ताकि इस मानसून के मौसम में वाड़ी के निवासियों को परेशानी ना हो। नालियों में कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने की बजाय गाड़ी में डालकर वाड़ी शहर को स्वच्छ रखने की अपील मुख्य अधिकारी विजय देशमुख द्वारा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज।